हेलो दोस्तों, एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है, काफ़ी धमाकेदार एप्लीकेशन है, क्विक लोन एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन का सेकेंड नाम आपको मिल जाएगा, फ़ोन टच फाइनेंस लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है दोस्तों, इस एप्लीकेशन से लोन आपको कैसे मिलेगा, घर बैठे 5 मिनट में इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों न्यू एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपको डाउन अमाउंट और अमाउंट कितना आपको होना चाहिए, इमरजेंसी में लोन कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे कुछ फोटो भी आपको इस एप्लीकेशन की देखने को मिली होगी। अबाउट दिस ऐप में इस एप्लीकेशन की कुछ सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, देख सकते हो दोस्तों अबाउट दिस ऐप दिया गया है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चेकआउट भी दोस्तों कर सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। क्विक लोन या तो फिर कह सकते हो दोस्तों फ़ोन टच फाइनेंस लोन एप्लीकेशन, तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जैसे ही दोस्तों ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन कैलकुलेटर, ये सारा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, और यहाँ पर देख सकते हो कि टिक माय एप्लीकेशन है, तो ये भी टिक देख सकते हो, ट्रिक जो भी एप्लीकेशन का होगा, तो ये 4th ऑप्शन ये है आपको। तो यहाँ पर पर्सनल लोन पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस लोन, दो आप लोन आपको मिल सकता है दोस्तों, पर्सनल लोन अपने लिए और बिजनेस लोन। तो यहाँ पे आप तीसरा है तो लोन कैलकुलेटर, जैसे कि आप कोई भी लोन लेते हो दोस्तों, कितना भी बड़ा अमाउंट है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितना आपको दोस्तों बेनिफिट, मतलब और भी रिटर्निंग करते समय आपको चार्जेस देने होंगे, तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों कैलकुलेटर वाले में। तो पर्सनल लोन वाला पहला ऑप्शन है, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो कि आपको फ़ोन नंबर से बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे पासवर्ड, अगर जिसका अकाउंट बना हुआ है दोस्तों तो उनको फ़ोन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपने फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं, तो वो ये आपको ऑप्शन मिला है। तो अगर दोस्तों घबराना कोई बात नहीं है, जैसे कि आप नया अकाउंट नहीं बनाया, आपका पुराना अकाउंट है, तो आप कर सकते हो। अगर नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो स्क्रॉल करोगे तो क्रिएट अकाउंट, एक नया अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो हम करते हैं इस पर क्लिक, और क्लिक सबको करना है जिसको नया अकाउंट आप पहली बार जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तो क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, गेट योर लोन अप्रूव्ड, और यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दोस्तों, आपका पैन कार्ड का नाम, जो पैन कार्ड पे आपका नाम होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, सिटी, और सेलेक्ट आप मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप एड्रेस में क्या सेलेक्ट कर सकते हो, पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड होगा, और सैलरी आपकी कितनी मंथली सैलरी, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, और आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों, 21 से एज आपकी अपर होनी चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे जिसकी 20 एज होगी उसी को लोन मिलेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जैसे कि पैन कार्ड जिसका बन चुका होगा तो 18+ में पैन कार्ड बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एप्लीकेशन में बोला जा रहा है कि 21 से ऊपर के लोगों को ही लोन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वही नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन में है, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंटर OTP, आपके नंबर पर OTP जाएगी, OTP जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है। जैसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हो कॉर्नर में लिखा हुआ, तो पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर मैंने दोस्तों क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जैसा डाउन पेमेंट आपका होना चाहिए, जितना भी आप लोन ले सकते हो, यहाँ पर अगर स्क्रॉल करो इस साइड की तरफ तो पेमेंट जैसे लोन बढ़ जाएगा, आपको कितना लोन चाहिए आपका जितना होगा, तो और इधर करोगे तो घट जाएगा, तो दोस्तों दोनों साइड सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं अभी 5,000 से स्टार्टिंग है, 5 लाख तक, 5,000 से 5 लाख तक लोन ले सकते हो। एंड दोस्तों आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आगे आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कि कई ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर टिक लगाते हैं और प्लीज़ प्रोवाइड करिए, मतलब वो प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्लिक कर दिया। तो 5 लाख अमाउंट है, आप EMI कब तक चुका सकते हैं, मतलब आप कब तक EMI इनका भर सकते हैं, तो ये आपको EMI का मंथली 6 महीने में, 12 महीने में, 24 महीने में, 36 महीने में, 60 मंथ में, तो मतलब आप जब भी भरना चाहते हो यहाँ पे आप टिक लगा के और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोवाइड KYC इन्फॉर्मेशन,
केवाईसी इन्फॉर्मेशन में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, जो आधार कार्ड पे आपका नंबर हो, पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए, दोनों आपका बना होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 21 एज की होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड पे भी आपकी 21 एज होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके फिल कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको क्या करना है, जिस बैंक में आपको अगर आप मनी मंगाना चाहते हो दोस्तों, उस बैंक का आपको आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और दोस्तों और बैंक का नाम होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो जो भी आपका होगा डॉक्यूमेंट में और बैंक इन्फॉर्मेशन में आईएफएससी कोड आपको मालूम होगा दोस्तों, तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो बैंक से आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देना है, जैसे तीनों ऑप्शन फिल करने के बाद, और ये बैंक डिटेल्स है तो बैंक डिटेल्स से एक बार पूछ के आप फिल करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको नहीं मिलेगा लोन। एंड दोस्तों आपकी एज भी 21 साल से प्लस में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये पर्सनल लोन था, तो पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा जितना भी आपका लोन होगा। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं बिजनेस लोन, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो लुकिंग फॉर बिजनेस लोन है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 30 लाख तक आप ले सकते हो इस बिजनेस लोन में अगर आपको लोन चाहिए तो। और यहाँ पे अभी देख सकते हो दोस्तों कमिंग सून देखने को मिल रहा होगा, और बैक टू होम कर देते हैं, कमिंग सून इस अभी आएगा इस एप्लीकेशन में, और इस एप्लीकेशन से आप बिजनेस लोन के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो जितना भी आपको लोन चाहिए। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन के कुछ मतलब बिजनेस लोन का कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो, और अभी इस एप्लीकेशन से बिजनेस लोन में आपको लोन नहीं मिलेगा, कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आप ले सकते हो। लोन कैलकुलेटर, अब लोन कैलकुलेटर क्या है दोस्तों ये भी आपको बताते हैं। लोन कैलकुलेटर में ईएमआई आप कब तक चुका सकते हो, ईएमआई कितनी आती है, ये सारा कुल यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको करना है कर सकते हो दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि 51,912 रुपये अगर आप 50,000 लोन लेते हो तो आपको 51,912 रुपये पे करने होंगे, ठीक है दोस्तों। ये होती है ईएमआई, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे ट्रिक आप एप्लीकेशन है तो ये भी क्लिक कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस जो भी आता है तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल चुकी होगी, जिनको वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल होगा, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका अबाउट अपडेट फ्यूचर चेकआउट भी कर सकते हो। एंड दोस्तों करते हैं क्लिक, यहाँ पे आपका मेरा प्रोफाइल देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको देखने को बता देते हैं यहाँ पे कॉर्नर, और बेल आइकन क्या है दोस्तों ये भी आपको मालूम हो जाएगा बेल आइकन में क्या दिक्कत होती है। तो बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रोफाइल वाले, तो बेल आइकन पे जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो इसको ऑन करे रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अकाउंट सेटिंग जो पर्सनल आपकी डिटेल्स होंगी ये यहाँ पर शो करेंगी, और दोस्तों डेटा बर्थ और फुल एड्रेस सारा कुछ, केवाईसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आधार नंबर और पैन नंबर अगर आपने भरा तो ये भी फिल होगा, और दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, लॉगआउट लॉगिन भी दोस्तों अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन के थ्रू जैसे कि दोस्तों आप चेकआउट भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। अच्छी एप्लीकेशन है, जय जय बाबा।